सो गाइस गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो भाई आप लोगों को हैप्पी होली। और चॉप क्या हालचाल है? चलो यार चॉप को थोड़ा सा हम लोग कलर कर देते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया पहले तो आप सिंचैन को उठाओ। हाँ भाई यार सिंचैन यार मार्केट से आया तो सो ही गया। वो देखो भाई वहाँ सो रहा है। तो चलो भाई इसे हम लोग कलर कर देते हैं। और भाई यार सिंचैन को देख सकते हो हम लोग पूरा लाल पीला कर दिए हैं। एंड गाइस यार ये अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो? उठ भी जाओ यार सिंचैन, क्यों अभी सो रहे हो भाई? चलो यार हमें तो पार्टी करनी है। अच्छा फ्रैंकलिन भैया मैं आता हूँ। हाँ हाँ सिंचैन बाहर तो आओ, मैं तुम्हें भिगाता हूँ। क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, आपको क्या लगता है मेरे पास कलर्स नहीं है? ये लो ये लो। अरे भाई सिंचैन थोड़ा संभल के यार, तुम अभी पानी में गिर जाओगे। नहीं फ्रैंकलिन भैया मैं तो आपको बहुत सारे कलर्स लगाऊंगा। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ये लो यार मेरे पास भी है, ये देखो ब्लू कलर, और यार चाप तुम्हारे लिए ये ग्रीन कलर। फ्रैंकलिन भैया वैसे आज हमें पार्टी करना है ना? हाँ भाई पार्टी करना है, और उसमें भाई हम लोग एवेंजर्स को इनवाइट करने चल रहे हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया चलो चलते हैं जल्दी से। पार्टी का भी भाई बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, जैसे कि यार हमें बहुत सारे स्पीकर्स लाने हैं, इस पूरे अपने घर को डेकोरेट करवाना है, बहुत सारा काम है। ठीक है फ्रैंकलिन भैया तो चलो हम लोग चलते हैं। बिल्कुल भाई आ जाओ जल्दी से कार में। एंड गाइस हम लोग यार फटाफट निकलते हैं, पहले तो यार एक कंस्ट्रक्शन वाले से मिलने जो भाई यार इस पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट कर देगा। फ्रैंकलिन भैया क्या हम इस नए वाली कार से जाने वाले हैं? बिल्कुल भाई हम इसी से जाएंगे। एंड गाइस आपने देखा ही होगा यार लास्ट वीडियो में हमने ये वाली कार खरीद के लाई थी, जो कि भाई होली स्पेशल कार है। तो चलो गाइस फटाफट अब हम लोग पहुंचे यार सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाले से मिलने, उन्हें समझाएं भाई कि हमारा घर पूरा डेकोरेट करना है। हाँ फ्रैंकलिन भैया, और उसमें हम लोग बहुत सारा खाना भी लाएंगे और बहुत सारे स्पीकर्स में गाने बजाएंगे। बिल्कुल भाई हम लोग खूब ज्यादा मस्ती करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो यार कंस्ट्रक्शन वाले से मिलते हैं, देखें भाई वो लोग कब तक हमारा घर तैयार कर देंगे। एंड गाइस ये देख सकते हो यार हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड इन्हीं वर्कर से हम लोग बात करते हैं, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं। आ जाओ सिंचैन तुम ज्यादा परेशान मत करना, मैं भाई अपनी गन अंदर कर लेता हूँ, नहीं तो भाई इन्हें ये न लगे कि हम यार इन्हें होली से भिगाने वाले हैं। हेलो सर हैप्पी होली। हैप्पी होली दोस्त, बताओ क्या हो गया? मेरा एक छोटा सा काम है, एक्चुअली एक मेरा घर है उसे होली के लिए मस्त डेकोरेट करवाना है, वहाँ पे बढ़िया हम लोग पार्टी करने वाले हैं। ठीक है हो जाएगा शाम तक। चलो भाई सिंचैन ये तो एकदम सही है। हाँ फ्रैंकलिन भैया इन्हें अपना एड्रेस दे दो, ये घर पे जाके डेकोरेट कर देंगे। सर मैं आपके नंबर पे एड्रेस भेज देता हूँ, प्लीज चले जाइए और शाम तक तैयार कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, तुम लाइट्स और स्पीकर्स का इंतजाम कर दो। ठीक है मैं बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ स्पीकर्स लेके। चलो भाई सिंचैन हम लोग जल्दी चलते हैं भाई कहीं से स्पीकर्स का जुगाड़ करने। और गाइस यार तब तक यार हमारा घर भी मस्त डेकोरेट होने लगेगा, और भाई साहब मजा आने वाला है आज, खतरनाक वाला। हाँ दोस्तों तो फटाफट इस वीडियो पे लाइक कर दो। बिल्कुल भाई लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं स्पीकर्स वाले के पास। एंड गाइस ये देख सकते हो यार हम लोग पहुँच चुके हैं इस स्पीकर वाले के पास, एंड ये तो भाई अपने में ही मस्त है। चलो यार इसके पास चल के जरा देखते हैं। हेलो सर हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली दोस्त। सर मुझे जरा यार कुछ स्पीकर्स दे देना यार, मुझे भी पार्टी करनी है अपने घर पे। तो सिंचैन बताओ भाई इसमें से कौन सी स्पीकर ले? फ्रैंकलिन भैया मैं तो यार चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा वाला स्पीकर लेते हैं। चलो भाई ठीक है तो फाइनल रहा इसे ले लेते हैं। और चॉप एकाक तुम भी बता दो भाई। फ्रैंकलिन भैया ये सबसे लेफ्ट वाली ले लो यार। चलो गाइस तो इसे भी हम लोग ले लेते हैं, मेरे ख्याल से दो पीस काफी रहेगा, और इसे भी ले लेते हैं। चलो भाई अभी के लिए हम लोग इतना ले लेते हैं, बाकी कम पड़ेगा तो और आ जाएगा। और सर क्या आप पहुंचा देंगे मेरे स्पीकर्स घर तक? हाँ हाँ पहुंच जाएगा। चलो गाइस तो ठीक है यार, चलो गाइस तो इन्हें हम लोग पैसे देते हैं। तो सर बता दीजिए ये टोटल चार स्पीकर्स के कितने हो गए? इसके हो गए 10,000। चलो यार बढ़िया है, तो 10,000 रुपए इन्हें ट्रांसफर करते हैं। और सर प्लीज जल्दी से हमारे पीछे पीछे आ जाइए ताकि हम ये सारा स्पीकर्स घर पे पहुंचाएं। चलो सिंचैन जल्दी बैठो भाई, तुम तो यार उन्हीं को परेशान कर रहे हो। फ्रैंकलिन भैया मैं भी उसी में डांस करने लगा था यार, बहुत मजा आ रहा था। एंड ये देख सकते हो गाइस सारा स्पीकर यहाँ पे रखा चुका है, और अब हम लोग निकलते हैं। अरे संभाल के यार फ्रैंकलिन भैया ये तो कुछ ज्यादा ही तेज चला रहे हैं। हाँ भाई पता नहीं सही सलामत पहुँचा भी देंगे या फिर नहीं, भाई थोड़ा आराम से आना यार। फ्रैंकलिन भैया कहीं ये हमारा स्पीकर खराब न कर दें? नहीं गाइस मेरे ख्याल से खराब तो नहीं करेंगे हम लोग। चलो यार जल्दी से पहुँच जाते हैं बस घर पे, आ जाओ भाई पीछे पीछे। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो यार हमने स्पीकर सारे ले आ दिए घर पे, मस्त पार्टी अब शुरू करते हैं। एंड गाइस सबसे पहले यार हम लोग अपनी कार को यहाँ पार्क करते हैं। बस सर इसके आगे नहीं जाना है, कहाँ रह गए भाई?
भाई वो। फ्रैंकलिन भैया कहीं वो खो तो नहीं गए? अरे नहीं भाई, ये देखो आ चुका है ये आदमी। हेलो सर, बस 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 यहीं तक, इससे आगे नहीं जाना है। अब भाई फटाफट यहाँ से। अरे यार ये कौन आदमी है? चलो भाई होली है तो माफ कर देते हैं, नहीं तो भाई मैं इसे बहुत मारता। ये देखो गाइस यहाँ पे यार चारों स्पीकर्स आ चुके हैं। सर यहीं पे मेरी स्पीकर्स उतार दीजिए एंड हम लोग यार क्या करते हैं गैराज के अंदर रख देते हैं जब तक वो कंस्ट्रक्शन वाले काम करेंगे। तो गाइस ये देख सकते हो यार यहाँ पे चारों स्पीकर्स हमने लगा दिए हैं। वैसे यार शिनचैन अब हमें जाना यार पिज्जा बर्गर लेने। हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो यार। वैसे सर क्या हम आपकी कार ले सकते हैं? आप मेरी बाइक से चले जाओ और भाई तब तक हम लोग इसी में ले आ देंगे अपना पिज्जा बर्गर। हाँ फ्रैंकलिन भैया सही आइडिया यार। इसमें भाई क्योंकि यार पीछे देख सकते हो अच्छा खासा जगह है यार, इसमें रख के हम लोग ले आ सकते हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन भैया ये दे देंगे। हाँ भाई तुम बोलो ना एक बार। हेलो अंकल प्लीज हमें अपनी कार दे दो, आप हमारी बाइक से चले जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है। और देख रहे हो यार शिनचैन वो जा रहे हैं, तो चलो यार शिनचैन जल्दी से बैठ जाओ। और भाई प्लीज यार मेरी बाइक को थोड़ी आराम से चलाना। चलो भाई चौप फटाफट तुम भी अब इस पे बैठ जाओ। और भाई साहब यार ये ट्रक मुझे सही मिल गया यार, इसमें आराम से हम लोग सब कुछ रख के ले आ देंगे। चलो फ्रैंकलिन बैठ गया मैं। वैसे गाइस बस एक काम और रह गया, यही बस सामान लेने खाने पीने का, और उसके बाद गाइस बस चलना है यार सारे एवेंजर्स को लेने के लिए एंड फिर हम लोग करेंगे अपनी मस्त सी पार्टी। और भाई ये देख सकते हो यार बर्गर किंग आ चुका है। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो अभी मन कर रहा है खाने का। अरे यार थोड़ा सा सबर कर लो बस, जल्दी यार हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और जल्दी ही पार्टी शुरू होने वाली है। चलो यहाँ पे हम लोग अपनी कार को पार्क करते हैं और गाइस यार चलो जल्दी से इसके अंदर रहते हैं। तुम लोग भाई यहीं पे वेट करो, मैं बस अंदर से लेके आता हूँ। और भाई वैसे उन लोगों को हम लोग ला सकते थे। शिनचैन तुम आ जाओ यार अंदर। वैसे ठीक है फ्रैंकलिन भैया मैं आ रहा हूँ। वैसे शिनचैन हमें कितने बर्गर्स और पिज्जा लेने चाहिए? फ्रैंकलिन भैया मुझे लगता है कि 250 पिज्जा और 500 बर्गर हमें ले लेने चाहिए। चलो भाई ठीक है मैं ऑर्डर देता हूँ। हेलो सर आपको वहाँ सामने एक कार दिख रही होगी, उसमें आप 250 पिज्जा और 500 बर्गर्स रख दीजिए। ठीक है सर, आपके हो गए 15,000 रुपए। ओके तो ये रहा आपका पेमेंट, मैं बाहर वेट करता हूँ। आ जाओ शिनचैन हम लोग बाहर चल के वेट करते हैं भाई, देखते हैं भाई कब तक हमारा सामान आ जाएगा। एंड गाइस बहुत देर वेट करने के बाद ये सारा सामान आ चुका है। चलो शिनचैन जल्दी से बैठ जाओ। हाँ फ्रैंकलिन भैया अब हम लोग इन सामान को जल्दी से लेके चलते हैं अपने घर पे। और भाई फटाफट चलते हैं यार एवेंजर्स के पास। वैसे पता है शिनचैन बाकी के गेस्ट भी आ चुके होंगे। हाँ फ्रैंकलिन भैया घर भी देखो यार तैयार हो गया है। अरे हाँ यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया गाइस, सच में यार सारा घर हमारा रेडी हो चुका है। चलो यार अपनी कार को हम लोग यहाँ से ले चलते हैं। देख सकते हो भाई यहाँ से इन्होंने नया रास्ता बना दिया अपने घर में जाने के लिए। वैसे यार शिनचैन तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ जरा? फ्रैंकलिन भैया मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है ये घर। चलो तो गाइस यहीं पे हम लोग इन सारे सामान को उतारते हैं और चौप ये सारा सामान तुम उधर लगवाओ। तब तक शिनचैन हम तुम चलो चलते हैं यार एवेंजर्स को लेने के लिए। एंड गाइस एवेंजर्स को लेने के लिए हम इसमें जाने वाले हैं। ये देखो भाई मैंने एक नई गाड़ी मंगवाई है, इसमें भाई सारे एवेंजर्स मेरे ख्याल से फिट आ जाएंगे। क्यों शिनचैन सही कहा मैंने? हाँ फ्रैंकलिन भैया इसमें सब लोग बैठ जाएंगे आराम से। चलो तो गाइस हम लोग फटाफट चलते हैं उसी स्टार्क मैंसन पे एंड सबको बैठा के फटाफट लेके आते हैं। और शिनचैन ये देख लो भाई हम लोग पहुँच गए स्टार्क मैंसन। हाँ फ्रैंकलिन भैया और यहाँ पे वैसे कौन कौन से एवेंजर्स होंगे? भाई यहाँ पे हमें मिल सकता है स्पाइडर मैन, हल्क मिल सकता है। देखे गाइस क्या पता रेड हल्क भी इस समय हो। फ्रैंकलिन भैया मुझे तो बहुत मजा आएगा आज। हाँ भाई मजा आज सबको आएगा, सब एक साथ एंजॉय करेंगे, होली खेलेंगे। चलो गाइस सबसे पहले यार इन लोगों को हम पिक करते हैं एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे लोग तो बैठ ही जाएंगे ना शिनचैन, ऐसा ना हो भाई की सीट कम पड़ जाए। नहीं फ्रैंकलिन भैया मेरे ख्याल से सारे लोग बैठ जाएंगे। तो चलो भाई अंदर चलते हैं यार, देखें यहाँ कौन कौन है। और भाई यहाँ पे तो सारे लोग। हेलो एवेंजर्स कैसे हो आप सभी लोग? हम ठीक है फ्रैंकलिन। अरे आप सभी लोगों को हैप्पी होली। तुम्हें भी फ्रैंकलिन, तुम्हें भी हैप्पी होली। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करने के लिए एक्चुअली आया हूँ। हम सब एक पार्टी रखे हैं, मैं शिनचैन चॉप हम सब रहेंगे और बहुत से लोग हैं। तो चलो आप लोग के लिए गाड़ी भी आ चुकी है, फटाफट आप लोग हमारी गाड़ी में आके बैठ जाओ। हाँ हाँ एवेंजर्स जल्दी से आओ हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। बिल्कुल भाई शिनचैन भी आप लोगों को बुला रहा है जो कि बाहर वेट कर रहा है, तो चलो आप लोग भी बैठो जल्दी से। ठीक है फ्रैंकलिन हम आते हैं। तो गाइस ये देख सकते हो यार यहाँ पे सारे एवेंजर्स बैठ चुके हैं। तो भाई यार तुम लोग थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ यार, ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो? फ्रैंकलिन भैया ये लोग डर रहे होंगे होली खेलने में। हाँ यार शिनचैन मुझे भी ऐसा लगता है। चलो हम लोग मिल के इन्हें खूब भिगाएंगे। एंड देखो भाई सामने यार आगे की तरफ बैठा है कैप्टन अमेरिका और थॉर, और भाई उसके बाद पीछे बैठा है स्पाइडर मैन और आयरन मैन, एंड पीछे ये दो बड़े बड़े रेड हल्क और ग्रीन हल्क। भाई तुम लोग भी यार वेट कम करो तभी तो बैठ पाओगे। गाइस
गाइस यार इनका साइज ही इतना ज्यादा बड़ा है कि ये लोग बैठ ही नहीं पाए। सिंचन भैया हम लोग इनको आज पिज्जा बर्गर खिला के और ज्यादा बड़ा कर देंगे। अरे नहीं भाई सिंचन, फिर तो यार ये हमारी कार में फिट भी नहीं बैठेंगे। लेकिन भाई आज तो यार गजब तहलका मचने वाला है घर पे, भाई इतना ज्यादा होली खेलेंगे कि क्या बताया जाए। चलो तो अब जल्दी से भाई हम लोग पार्टी में चलते हैं, वहाँ भाई काफी लोग पहले ही आ चुके हैं। और सिंचन ये देखो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो यार, मेरी पिचकारी कब से वेट कर रही है मेरा। बिल्कुल भाई मैं भी तो अपने हाथ में लिया हूँ, मैं तो यार उतरते ही तुम्हें यार पूरा रंग लगा दूंगा। नहीं फ्रैंकलिन भैया मुझे डर भी लगता है। अच्छा चलो यार पहले तो हम लोग घर पे पहुँचे। गाइस पूरा यार डीजे वगैरह लग चुका है, सब कुछ लाइट्स वगैरह, और भाई मेरी पार्किंग यहाँ ऊपर हो रही है गाड़ियों की। तो चलो भाई फटाफट हम लोग यहाँ ऊपर से ले चलते हैं। एंड यहाँ पे यार गार्ड्स भी हैं बहुत सारे, तुम देखो भाई यहाँ दो गार्ड्स लगे हुए हैं। अरे यार तुमने अच्छी खासी व्यवस्था की है। हाँ यार थॉर तुम सही कह रहे हो भाई, मस्त यहाँ पे व्यवस्था है, मजे आएंगे बहुत ज्यादा। चलो यार अब तुम लोग भी उतर जाओ, हम लोग चलते हैं अब सीधे पार्टी में। और गाइस ये देख लो यार यहाँ पे सारे एवेंजर्स आ चुके हैं। तो चलो यार सिंचन हम लोग इन्हें भिगाना शुरू करते हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे ये हमारा स्पाइडरमैन है। ओ स्पाइडरमैन ये देखो मैंने तुम्हारे पे कर दिया बहुत सारा कलर। अरे फ्रैंकलिन संभल के यार। अरे भाई साहब आज यार बुरा मत मानो, क्योंकि यार तुमने सुना नहीं है बुरा न मानो होली है। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने सब लोगों को भिगा दिया है। और भाई सिंचन कहाँ गया? तो चलो यार सिंचन क्या तुम तैयार हो? फ्रैंकलिन भैया रुक जाओ यार, क्यों तुम मुझे भिगाए जा रहे हो? रुको मैं भी तुम्हें भिगाता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने फ्रैंकलिन भैया को भी पूरा भिगा दिया। वैसे सिंचन यार डेकोरेशन बहुत मस्त हुआ है ना? हाँ यार फ्रैंकलिन भैया बहुत मजा आ रहा है। चलो तो गाइस अब इस वीडियो के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। हाँ फ्रैंकलिन भैया अब हम होली सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय।